हे गाइस, कई सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि भैया सीएसआईआर जो है वो 29th ऑफ जनवरी को हो रहा है और बीएड जो है फरवरी के सेकेंड वीक में है। आखिर समय बड़ा कम मिल रहा है तो कैसे मैनेज किया जाए सीएसआईआर और गेट को। तो सवाल जब ये उठता है कि सीएसआईआर और गेट को कैसे मैनेज करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि वेन एवर यू डू द एग्ज़ाम, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एक ही फील्ड के एग्ज़ाम्स काफ़ी सारे टॉपिक्स को ओवरलैप करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% टॉपिक जो है वो ओवरलैप करता है, बट यस मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है ओवरलैप करते हैं। अप्रॉक्स 50 to 60% और वी कैन से 70% जो है वो सीएसआईआर और गेट ओवरलैप करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेट बायोटेक्नोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट गेट लाइफ साइंस हियर। बट हियर कई ऐसे लोग होंगे जो सीएसआईआर और गेट एक्सेल दे रहे होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो सीएसआईआर गेट बीटी दे रहे होंगे, और कई ऐसे लोग होंगे जो सीएसआईआर गेट बीटी एक्सेल तीनों दे रहे होंगे। तो आप लोगों से पहले तो ये बता दो कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो हर एक एग्जाम में अलग अलग होता है और क्वेश्चन का टॉपिक रेफरेंस भी अलग अलग होता है। ऑल दो सिलेबस कॉमन होते हुए भी, 60 to 70% कॉमन होते हुए भी, सीएसआईआर जिन स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करता है, गेट उन स्पेसिफिक एरिया को टारगेट नहीं करता या बहुत रेयरली करता है। वो उन एरियाज को टारगेट करता है जो सीएसआईआर नहीं करता या अदर एग्जाम्स नहीं करते। इसी वजह से आपको थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती हैं कि कैसे मैनेज करें और कैसे लेके चले। तो इसमें कुछ टिप्स है, ये टिप्स कुछ इस तरीके से है। पहला कि आप जो भी काम कर रहे हैं, मतलब सी एस आई आर अभी के लिए देखिए, सी एस आई आर फेलोशिप प्रोवाइड भी करता है और मेजर एग्जाम भी है और आपने प्रिपरेशन कर रखी है, तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन को छोड़ के या ऐसे पोर्शंस जो कि गेट में अलग होते हैं, इसके लिए आपको कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गेट में टॉपिक्स अलग होते हैं, तो वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू जाइए और आपको आइडिया लग जाएगा। एक दो पेपर सीएसआईआर का सॉल्व करिए और एक दो पेपर जो है गेट का सॉल्व करिए। सो यू विल गेट एन आइडिया कि आखिर सीएसआईआर और गेट के क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे अलग होते हैं, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा फ्रिक्वेंट आते हैं। तो इससे क्या होगा कि सीएसआईआर के जो टॉपिक फ्रिक्वेंट आते हैं उन टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करें और उनको अच्छे से कंठस्थ करें, अच्छे से तैयार करें, उनके लॉजिक्स, उनके न्यूमेरिकल, उनके फॉर्मूलाज, उनके न्यूमेनिक्स जो भी आपको यूज़ करना है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि गेट थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा मूव करता है। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ पे बढ़ते हैं लेकिन वो सारे के सारे मेमोरी बेस्ड नहीं होते, क्योंकि सीएसआईआर में पार्ट बी भी मेमोरी बेस्ड ही होता है। तो सीएसआईआर का पार्ट बी एक तरीके से गेट जैसे एग्जाम हो जाते हैं, पर गेट में आपके पास ऑप्शन नहीं मिलता सीएसआईआर जैसा। गेट में 65 क्वेश्चन उसी को करना होता है खासकर, और इसके अलावा आपके पास जो होते हैं कि वहाँ पे कई अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग के साथ साथ वहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, मतलब जहाँ पे टाइप करना होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, एमएसक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, वो काफ़ी कुछ आपका चेक करते हैं उन्हीं लॉजिक्स के साथ। तो जैसा पहले का ट्रेंड था वैसा ट्रेंड गेट में वैसा है नहीं कि हाँ सिर्फ रट्टू पोपट वाला क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस भी गेट में काफ़ी पूछे जाते हैं। मैं ये तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, बट लॉजिकल क्वेश्चंस भी होते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो अब आपको करना क्या है कि पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में स्पेसिफिक एरियाज क्या है। अगर आप गेट बीटी एक्सेल है तो उनको सॉल्व, गेट एक्सेल और सीएसआईआर है तो दोनों के दो दो पेपर सॉल्व करिए, बीटी और सीएसआईआर है तो दोनों के दो दो पेपर सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद फ्रिक्वेंट टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए कि ये फ्रिक्वेंट टॉपिक्स है या ये चीज़ें, मतलब आइडिया आपको लग जाएगा कि मुझे किस टॉपिक को पहले पढ़ना है। तो सीएसआईआर के लिए तैयारी उन टॉपिक्स को करते हुए चलिए जो गेट में ऑलरेडी ओवरलैप्ड है, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑलरेडी सीएसआईआर में भी है, गेट में भी है, सेल बायोलॉजी सीएसआईआर में भी है, गेट में भी है, बायोकेमिस्ट्री हर एग्जाम में आता है, टेक्निक्स हर एग्जाम में आता है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपको मिल जाएगा जूलॉजी में गेट के और सीएसआईआर में, और इकोलॉजी इवोल्यूशन गेट के जूलॉजी में मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा सीएसआईआर में, तो ऐसे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और बीटी के लिए तैयारी कर रहे तो कुछ यूनिट एक्स्ट्रा होती है, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग जिसमें कि हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे आ जाते हैं। सो ये टॉपिक्स कुछ एक्स्ट्रा होते हैं जो कि आपको अलग से तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो क्या करिए, जो ओवरलैप्ड टॉपिक्स हैं
मतलब जो CSIR गेट में कॉमन है उनको पहले प्रिपेयर करिए लीजिए, और गेट CSIR एग्जाम 29 के होने के बाद गेट एग्जाम में लगभग लगभग 15 दिन का समय मिल रहा है। उस समय में आप न्यूमेरिकल पोर्शन या जो लेफ्ट आउट पोर्शन है या जो सिर्फ गेट स्पेसिफिक होते हैं न्यूमेरिकल्स टाइप या जो सिर्फ गेट में आता है, एक्सेल में तो मैक्सिमम कवर अप हो जाता है, केमिस्ट्री को छोड़ के बोलूँ, केमिस्ट्री एंड एप्टीट्यूड तो मैक्सिमम तो आपको मिल ही जाएगा CSIR के लिए, बट BT के लिए कुछ एक्स्ट्रा है तो उनको वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टाइम स्लॉट को डिवाइड करिए, कुछ टाइम जो है अगर दिन का टाइम क्या करिए कि अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे CSIR पे, 2 घंटे गेट पे देख सकते हैं, या 5 घंटे CSIR 1 घंटे गेट पे दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक बर्डन नहीं या माइंड में स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मैं गेट की तैयारी ही नहीं कर रहा हूँ। सो आप पैरेलल अपने टाइम स्लॉट को डिवाइड कर लीजिए, आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2-1 का रेशियो रखिए, 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3-2 का या 4-1 का रेशियो आप अपने हिसाब से रखिए, ताकि आपका जो है टाइम जो है स्लॉट डिवाइडेड रहे कितने घंटे आप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अपने दोनों CSIR और गेट के टारगेट को डिसाइड कर लीजिए कि CSIR का टारगेट मेरा ये है, गेट का टारगेट मेरा ये है, और इस टारगेट के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा कि CSIR में मुझे इतने दिन में इतने यूनिट करने हैं, गेट में ये सारी चीजें। तो उन टारगेट से आपको आइडिया लगता रहेगा कि कितने टारगेट आपके हो रहे हैं और आपको अभी कितना एफर्ट या आर्स बढ़ाने हैं घटाने हैं, CSIR में ज़्यादा देना है गेट में ज़्यादा देना है, तो वो फ्लक्चुएशन आप चेक कर सकते हैं। सो ये काम करिए, और बहुत डिफिकल्ट नहीं है मैनेज करना, बहुत आसान है अगर आप पहले ये पता कर लेंगे कि ओवरलैपिंग टॉपिक्स कौन से हैं, उसके अलावा जो है ये पता कर लेंगे कि आप जो है कौन से क्लियरिटी के साथ कि कौन से पहले करने वाले कौन से बाद में, टाइम स्लॉट डिसाइड कर लेंगे कि कौन से टाइम में CSIR कौन से टाइम में गेट करें, और टारगेट फिक्स कर लेंगे और उसको अचीव करेंगे तो डेफिनेटली आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए, होप कि आपको ये वीडियो क्लियर पिक्चर दे दिया होगा कि कैसे आपको मैनेज करना है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। इस क्रैक करिए CSIR मेरे साथ, CSIR 2022 का एग्जाम जो है वो होने वाला है। सो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे, मैं कई सारे कोर्सेज जो है वो लेता हूँ, जैसे कि आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस में आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर लाइव क्लासेस ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जबकि आइकॉनिक में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पर्सनलाइज्ड कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। कई सारे बैचेज हैं, बैच 2, बैच 5, बैच 7, ये सारे बैचेज में आप जुड़ सकते हैं। एंड कुछ प्लस कोर्सेज गोइंग ऑन हैं, जैसे यूनिट 10 एंड 11, इन सब चीज़ें भी लर्न कर सकते हैं। आपको डेली फुल लेंथ कोर्सेज मिलते हैं, हर वीक नया बैच मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सेशंस मिलते हैं, और आपको वीकली क्विजेस एंड इवनिंग कोर्सेज आपको मिलते हैं, एंड फुल मॉक टेस्ट भी आपको मिलता है बाईलैंगुअल। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो सब्सक्राइब करिए, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ, रेफरल कोड यूज़ करना है विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। अगर आप 6 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो डिस्काउंट के बाद आपको 10,545 रुपीज़ जो है वो इसकी प्राइस हो जाएगी। आप स्पेशल क्लासेस में जुड़िए, स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें कई सारी चीज़ें, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है, पोल कर सकते हैं आप, रेज योर हैंड डायरेक्टली कॉल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कभी भी क्लास मिस कर नहीं कर सकते क्योंकि नोटिफिकेशन जाता है, लेक्चर नोट्स मिलते हैं आपको, और कहीं पर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो इसके अलावा स्पेशल क्लासेस में कई सारे स्पेशल क्लासेस है, स्ट्रैटेजी देख सकते हो, OBC है, नॉल, बहुत सारे स्पेशल क्लासेस आपको मेरी प्रोफाइल पर मिल जाएंगे। और अनअकैडमी प्लस के लर्नर्स आप बनते हैं तो आस्क अ डाउट फीचर यूज़ कर सकते हैं और डाउट अपना पूछ सकते हैं डायरेक्टली, डाउट सेक्शन में जाके क्रॉप करके इमेजेस को डाउट पूछ लीजिए, और 1-to-1 लाइव मेंटरशिप का सहारा भी ले सकते हैं इन द केस ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। एंड इसके अलावा एक नया कोर्स जिसके ऊपर बात करते हैं, जो कि आया है आपका प्रैक्टिस कोर्स, जिसमें हम टॉप 100 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लर्न करेंगे कि रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस, और ये एक टॉप 100 टॉपिक्स का कोर्स है, याद करिए ये 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। रेफरल कोड आपको यूज़ करना है विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। चलिए, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।